तो पहलवान किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि महेश की तवेरा में डीजल नहीं डला के अपन ने तोड़ दिया उसका दिल, और ब्रह्मांड में जहाँ पे सबसे सस्ते कपड़े मिलते वो है हमारे इंदौर का मालवा मिल। ये बात किस महापुरुष ने बोली भैया? अब्बी के अब्बी, उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना ईमानदारी से। तो भैया आज मैं आपको लेके आया हमारे इंदौर के ऐसे मार्केट में जहाँ पे सबसे सस्ते कपड़े मिलते हैं। हाँ भैया, बम्बई ने दिल्ली से भी सस्ते। अरे पहलवान, लोकल या नकली मुकली के नहीं, फुल्ली ब्रांडेड, बिल्कुल असली कंपनी वाले हैं। और फिलहाल अभी तो ठंड का मौसम आ गया है भैया, तो ठंड के मौसम में तो बाजार चमन हो जाता है, बिल्कुल झमाझम। भैया यहाँ पे भटक भटक के तुम्हारे टांगड़े दुखने लग जाएंगे, लेकिन दुकानें खत्म नहीं होगी। उसी महापुरुष ने कहा भैया कि हमारे ओटले पे लगे झाड़ की खट्टी इमली कोई गिन नहीं सकता, और मालवा मिल पे इतनी सारी कपड़े की दुकान है कि कोई गिन नहीं सकता। तो भैया ये अपने रंजीत भैया इंदौरी और अपनी एवली ने आ गए हैं मालवा मिल कपड़ा मार्केट के दर्शन करवाने के लिए। अरे भैया घर में सजावट का सामान, चादर, दरी, पर्दे, चटाई, कंबल आ जाओ भैया, किलो के भाव दिलवाऊंगा तुमको यहाँ पे। फिर घुसे हम एक दुकान के अंदर। भैया क्या नाम है? शुभम जैन। भैया दुकान का नाम क्या? हर भैया को आशीर्वाद देने वाले हर जगह मिलते भैया। ये बहन ने इनके मोबाइल फोन पे घर पे वीडियो कॉलिंग लगा दी है, कहीं जमाई है कि जिया जी हमारे? जिया जिया। तो भैया ये प्यार है इंदौर का और ये हमारी बहन बेटी उनका, इनके आशीर्वाद से तुम्हारा भाई इतना फेमस हो गया है। क्या दिख गया पीला पर देखो? अरे गजब, ये कितने वाला है भैया? अरे गजब, ये एक माल के अंदर देखा था अपन ने, 1500 रुपए बताए थे। और ये लाल भम, ये क्रिसमस पे सही साठ रहेगा क्यों? ये कटा हुआ है कि डिजाइन है इसकी ऐसी? ओ ये गुलाबी गट, अरे गजब यार। लेगी कहीं नहीं, बस ये चांगली अपने करने आई है बस। पैसे हैं तेरी जेब में? ओ अरे पहलवान, ये भालू सरी का हरा कच्च जैकेट मिला है इसको। मेरे बारे में कुछ बोलो रंजीत इंदौरी के। ये बहुत अच्छे, इनके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं हमको, हम हमेशा देखते हैं। अरे गजब, जमाई को? जमाई भी देखते हैं, इसलिए तो आपको पहचान लिया हमने दूर से कि ये तो वही है। ये इसको कुछ समझ में आया? ये काहे का है रे? गिलेत्री के बाल के बना है, कम्बल कीड़ा बोलते हैं ना। ये मेरे भैयू के लिए सही साठ रहेगा यार। गजब यार, नरम लुच है अंदर से ने बाहर से कड़क भाट। ये कालीकट जैकेट टंगी लेदर की, ये तो संजू बाबा ने खलनायक पिक्चर में पहनी थी। पहलवान जैसे अपने इंदौर के भंडारे में अनलिमिटेड भोजन होता है, वैसे मालवा मिल मार्केट में अनलिमिटेड कपड़े मिलते हैं। और ये दिल से प्यार लुटाने वाले हमारे मित्र बंधु पहलवान, में यहाँ मालवा मिल में भटक ही रहा था, और ये अपना छोटा भाई रंजीत भैया का तगड़ा फैन वीरू मिल गया। और ये देखो तो सर, ये इसकी गर्दन पे देवराड़िया के मेले से इसका नाम कह रहे थे। दुखानी दुखानी दर्द नहीं करा? कितने रुपए लिए थे टैटू वाले ने? 40। भैया अपन है ना बड़े बड़े माल में 2-2, 2500 रुपए दे के आते, और इन्हें 40 रुपए में टैटू छपवा लिया, बताओ है? ये वाला उतार के बता दो, जम रिया हूँ कि नहीं भैया? कितने का है? 400। अरे 400 में तो बहुत सस्ता है भैया, मेरे को तो लगा कि 7-7500 रुपए बताएगा, ये देखो 400 रुपए में भैया। ठंड के सीजन में ये बाजार सबसे ज्यादा चमन रहता है भैया। जर्किन, साल, सूटर, कंबल, टोपा, क्या चाहिए भैया बोलो तो सर? महिलाएं, बच्चे, बड़ों, सब के लिए। अब इसको देखो, टोपे छाटने में भिड़ी हुई है। पहलवान टोपे भी इतने जोरदार है, बता दो एक आदि बहन के। अरे गजब, ये देखो इनने उठा लिया भालू टोपा, ये बंदा टोपा। अरे गजब, जम रही है। ओहो अरे गजब, ओहो ये भैया मेरे को इनके घर पे वीडियो कॉलिंग पे बता रहे। क्या नाम है पहलवान? राहुल। अरे गजब, लाओ दे फोन, हमारी बहन है। ये देखो, ये इसे प्यार बरस रहा है भैया। हाँ बहन, ये देखो भैया अपने इंदौर की एवली औलाद, ये दादा पहलवानी दिखा रही है मेरे को। भैया अपन मालवा मिल के मार्केट में भटक ही रहे थे कि बालाजी गारमेंट वाले भैया अपनी थोड़ी सी जान पहचान के निकल गए भैया। तो पहलवान मालवा मिल की बालाजी गारमेंट शॉप पे मैं आया था, कपड़े देख लिया था, और भैया ने पहचान लिया, बोले यार भैया अंदर आओ ना, और हर की बार जाओगे लेकिन चाय का नहीं पूछेंगे भैया को। क्या नाम है पहलवान? शेखर ठाकुर। या दादा पहलवान है, सरनेम ही काफी है। और मैं क्या हूँ मालूम? अरे बेहतरीन, ये जाति वही है, जाति वाति को अपन वो नहीं करते, लेकिन सहयोग से मिल गए तो फिर प्यार बढ़ जाता है पहलवान। तो क्या कहना चाहोगे रंजीत भैया की तारीफ में? यहाँ पे ऐसा होता है कि भैया ये जमे कपड़े उठा लो, छांट लो, क्वालिटी देख लो, समझ में आ रही है तो ले जाओ, नहीं समझ में आ रही पटको रख के निकल जाओ, क्यों भैया? ये तो भैया ये बालाजी गारमेंट्स के अंदर ये राजा भैया सेवा के लिए आए, लेकिन इनको मालूम नहीं कि मैं कुछ लेऊंगा नहीं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। वो देखो मुंडा उतर गया उनका, ये संभाल के रखना, भी हम आके ले जाएंगे ना एक आधी हफ्ते बाद। पहलवान तुम्हारे भाई ने भले जीवन में पैसा नहीं कमाया, लेकिन इज्जत और मान सम्मान का वरबल्ले प्यार बरसता आप सभी मित्रों के द्वारा। हाँ यार थैंक यू भैया यार। हाँ वो थाईलैंड में जो कपड़े का ट्रक चोरी हुआ था ना, ये रखे सारे कपड़े, क्यों रे? आ,
100 नंबर पे फोन लगा दो। ये मेरे को वही लग रहा है करते जो। हाँ। अरे गजब, ये देखो ये पिघरे नाम पे जाना, अभी पहले से कोई पट्टी नहीं पड़ाई मैंने। नाम बता, नाम बता। ये दो ही छोरे उनकी दुकान पे अपन पहुंचे और इनने पहचान तो लिया लेकिन नाम नहीं बता पा रहे थे, लेकिन फिर भी भैया को प्यार बहुत सारा करते हैं। भैया प्रसन्न हो गए तो यहाँ पहलवान देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो छाटो पीनो घर ले जाओ वाला मामला, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। जैसे आरती कलेक्शन B2C ये कुछ इस तरह की दुकानें भी है जहाँ पे छठे छठा पैकिंग कपड़े मिलेंगे वही रेट में। अपनी एबली नेहा की मौसी की छोरी उज्जैन के कुंभ के मेले में जो बिछड़ी थी ना, हाँ वो इसको यहाँ मालवा मिल में मिली है देखो। और ये इसकी बुआ का छोरा भी यही खड़ा है। इसके कौन से रिश्तेदार हैं यार भैया? रील ने वीडियो बनाने वाले छोरा छोरियन के लिए तो ये जगह जन्नत है। अधिकतर लोग यहीं का कलेक्शन यूज करते हैं पहलवाना। एक सीक्रेट बता रही हूँ भैया, ममता बेवफा को भी तो यहीं से जींस खरीद खरीद के ले जाके अपन गिफ्ट करते थे। अरे अपने धार वाले फूफा को भी अपने घर की शादी में ना शानदार कंपनी की ना बूसर ले जाके गिफ्ट कर दी थी। अरे 4 दिन नींद नहीं आई उनको। और भैया अपन ने तो महेश को टवेरा के लिए फोन भी लगा दिया, डीजल भी डला देंगे। अरे पूरी टवेरा भर के आज कपड़े लेके जाऊंगा, नहीं मानूंगा भैया। तो भैया असली कंपनी के ब्रांडेड हुडी, जोगर्स, लोअर, टी शर्ट, बूशर्ट, ब्लेजर, जींस, कुर्ता, पजामा सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो पहलवान महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों, बड़ों, अपने मित्रों सबके साथ यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा भैया। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं भैया, आओ।